प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में 5 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद स्वदेशी जेट ट्रेनर HTT-40 का अनावरण किया। रक्षा प्रदर्शनी का ये 12वां संस्करण है और इसका आयोजन गौरव की ओर अग्रसर विषय पर किया गया है। इस प्रशिक्षण विमान को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन तथा विकसित किया है। विमान अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है और इसके सभी फीचर पायलट के अनुकूल हैं। इसके 60% से भी अधिक कलपुर्जे स्वदेशी हैं तथा इन्हें निजी क्षेत्र की भागीदारी से बनाया गया है। इस तरह यह विमान आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है। इस विमान का इस्तेमाल उड़ान प्रशिक्षण, एरोबेटिक्स इंस्ट्रूमेंट उड़ान तथा रात्रि उड़ान प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। इससे भारतीय सेनाओं की प्राथमिक प्रशिक्षण जरूरतें पूरी होंगी। प्रशिक्षण विमान के सभी परीक्षण पूरे हो गए हैं और यह गर्म मौसम और बारिश की स्थिति तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षणों की कसौटी पर खरा उतरा है। श्री मोदी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद कहा, यह पहली रक्षा प्रदर्शनी है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनी में 1300 से ज़्यादा कंपनी, MSME, अकादमिक स्टार्टअप और अनुसंधान तथा विकास संगठन हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रक्षा प्रदर्शनी विभिन्न देशों को रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जहां वे शांति, विकास, स्थिरता और समृद्धि के लिए व्यापक संवाद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की अपेक्षाएं भारत से बढ़ गई हैं और मैं वैश्विक समुदाय को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि भारत उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। इसलिए यह रक्षा प्रदर्शनी देश के प्रति वैश्विक विकास का प्रतीक भी है।